यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बॉलीवुड के फेमस एक्टर श्रीदेवी जी के निधन के बाद पूरा देश काफी ज्यादा सदमे में है, लेकिन जो सबसे ज्यादा दुख में है वो है श्रीदेवी जी की बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर। वहीं जाह्नवी कपूर का आज है 21वां बर्थडे और इस शोक के चलते हुए कपूर खानदान कैसे सेलिब्रेट करेगा जाह्नवी कपूर के इस बर्थडे को, चलिए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं कल्याणी वडेरा और स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल खबरें अभी तक लाइव में। जाह्नवी कपूर का बर्थडे होता है 6 मार्च को और हर साल वह अपना बर्थडे फैमिली के साथ सेलिब्रेट करती हैं। लेकिन इस बार श्रीदेवी जी के गुजर जाने के बाद उनका दिल भी नहीं होगा अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने का। लेकिन सूत्रों के माने तो हमें ये पता लगा है कि बोनी कपूर जी आज उनके इस स्पेशल दिन को और स्पेशल बनाने के लिए एक डिनर प्लान कर रहे हैं। और ये डिनर प्लान क्यों कर रहे हैं हम आपको ये भी बताते हैं। एक्चुअली श्रीदेवी जी ने काफी ज्यादा प्लानिंग्स की थी बोनी कपूर के साथ जन्म के इस बर्थडे को काफी ज्यादा खुशियों से मनाने की, लेकिन किसे पता था कि श्रीदेवी जी हमें छोड़कर चली जाएंगी। लेकिन वहीं बोनी कपूर श्रीदेवी जी के इस प्लान को बिल्कुल पूरा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जाह्नवी कपूर का ये बर्थडे काफी ज्यादा खुशियों से भरा हुआ रहे, तो इसी के चलते वो आज जाने वाले हैं रात को एक डिनर पर। माना जा रहा है कि इस मौके पर कपूर खानदान साथ में होने वाला है। ये भी सुनने में आया है कि जाह्नवी कपूर की सौतेली बहन अंशुला कपूर भी इस बर्थडे पार्टी में शामिल होने वाली है। वहीं अर्जुन कपूर इस बर्थडे पार्टी में शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो आजकल काफी ज्यादा बिजी हैं अपनी आने वाली मूवी नमस्ते इंग्लैंड की शूटिंग में। वहीं सोनम कपूर ने जाह्नवी कपूर की एक पिक्चर पोस्ट करते हुए इंस्टाग्राम पर कैप्शन लिखा कि उनके जानने वालों में से सबसे बहादुर लड़की जो आज एक वुमन बनी है, हैप्पी बर्थडे। आपको बताते चलें कि जाह्नवी कपूर ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर श्रीदेवी जी के निधन के कुछ दिन बाद ही एक लेटर पोस्ट किया था। उस लेटर के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि वो अपने बर्थडे पर सिर्फ इतना ही चाहती हैं कि हम सभी अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा प्यार करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें और उनकी रिस्पेक्ट करें। जाह्नवी कपूर की रिलीज होने वाली पहली डेब्यू फिल्म धड़क, जिनमें उनके साथ काम कर रहे हैं शान खट्टर, शाहिद कपूर के कजन ब्रदर। लेकिन शायद से जाह्नवी कपूर को सिर्फ एक ही बात का दुख है कि उनकी रिलीज होने वाली पहली मूवी को श्रीदेवी जी नहीं देख पाएंगी। आपको बता दें कि श्रीदेवी जी जाह्नवी कपूर के इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। वो शुरू से ही जाह्नवी कपूर को इस चीज के लिए बकअप किया करती थी। लेकिन इस दुख के समय में आगे बढ़ते रहने के लिए हम तो जाह्नवी कपूर को बहुत सारी मुबारक देना चाहेंगे और उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे उनके बर्थडे के लिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही।